इस 1,000 रुपए से आप बहुत शानदार करोड़ रुपए बना सकते हैं। 3,12,000 रुपए ही आपके जा रहे हैं, मात्र 3,12,000 रुपए। और आपका जो टोटल मिल रहा है, आपको ये वाला अमाउंट मिल रहा है, ये वाला भैया, ये वाला अमाउंट आपको यहां से मिल रहा है। टोटल जो आपका गेन हुआ है वो ये गेन हुआ है। टॉपिक है आज का, 1,000 रुपए की SIP से आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। जो खर्च आप मूवी देखने के अंदर, बर्गर या पिज्जा खाने के अंदर 1,000 रुपए खर्च कर देते हैं, उन 1,000 रुपए की वैल्यू मैं आज आपको समझाने वाला हूं और एक शानदार बेहतरीन प्लान के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस 1,000 रुपए की पावर को समझना है। यदि आपने आज इसे 1,000 रुपए की पावर को समझ लिया ना, तो आपकी आने वाले सालों के अंदर किस्मत बदल जाएगी। कौन सा बेहतरीन रहने वाला है प्लान, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना समय आप लोगों को लगने वाला है, वो सब कुछ हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको करना क्या है, यदि आपकी महीने की इनकम 15 से 20 हजार रुपए भी आप अर्न करते हैं, 15 से 20 हजार में लेकर चल रहा हूं एक एवरेज, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली हम मानते हैं कि स्टूडेंट को मानते हैं कि 15 से 20 हजार रुपए वो अर्न करता होगा, लेकिन उसमें से यदि वो 1,000 रुपए भी बचा लेता है, 1,000 रुपए भी यहां से निकाल लेगा, तो यहां से बहुत अच्छा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है। इस 1,000 रुपए की पावर मैं आज आपको बताने वाला हूं। इस 1,000 रुपए से आप बहुत शानदार करोड़ों रुपए बना सकते हैं। कैसे बनेगा वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहां पर मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको समझाता हूं कि कैसे आपका जो 1,000 रुपए है वो आपको निकालना है। आप मान लीजिए 1,000 रुपए यहां से निकाल रहे हैं एवरी मंथ, 1,000 रुपए निकाल रहे हैं, तो आप यदि 1,000 रुपए निकालते हैं तो साल का आपका जाता है टोटल मिला के 12,000 रुपए। 12,000 रुपए आपके यहां से सेव हो रहे हैं सीधे सीधे तौर पे, यदि आप 1,000 रुपए निकालते हैं। अब मैं कहता हूं सर, आप LIC या FD जो भी प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या 1 साल के लिए करते हैं? पूछ रहा हूं आपसे, बता नहीं रहा हूं, 1 साल के लिए नहीं करते हैं। आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपको जो रिटर्न मिलता है उसका परसेंटेज जान के आप चौंक जाएंगे। आपको 7 से 10% का ही रिटर्न मिलता है। आप यहां से LIC ले लीजिए, FD ले लीजिए, या फिर आप बैंक डिपॉजिट करते होंगे, बैंक डिपॉजिट की भी बात करें तो BD के अंदर भी उतना ही है, और यदि आप आपका PF के अंदर पैसा होगा तो वो भी इतना ही है। ये सब कुछ मिला के इस कैलकुलेशन के अंदर अंदर आता है। मैक्सिमम 11% आपका पैसा वहां से मिल रहा होगा आपको, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा है, इतना ही आपको मिल रहा है। लेकिन हम बात करेंगे SIP प्लान की, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, जो कि बेहतरीन रिटर्न देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस मत कीजिए, LIC मत कीजिए, FD मत कीजिए। बहुत सारी जगह बहुत लंबे समय से हम लोगों ने इसको एक तरीका बना लिया है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो केवल और केवल इन चीजों के अंदर करेंगे। लेकिन सर, थोड़ा सा इनसे बाहर निकलने की अब जरूरत आ चुकी है। महंगाई रेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए अब मैं बात करता हूं, यदि आप 1,000 रुपये निकालते हैं, 12,000 रुपये यानी साल के जोड़ते हैं, तो आप कैसे यहां से करोड़पति बन सकते हैं। 1,000 को 30 से डिवाइड कर लीजिएगा सर, 50 रुपए से भी कम का अमाउंट डेली का आने वाला है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप यहां से ये बनने वाले हैं करोड़पति। अब देखिए, मैंने ज्यादा कुछ नहीं खोला है, ये SIP कैलकुलेटर मैंने यहां से ऑन कर लिया है। अब देखिए, SIP कैलकुलेटर मैंने ऑन किया है, मैं थोड़ा और साइड में जाता हूं। मंथली SIP अमाउंट यहां पर 1,000 रुपए आपको दिखाई दे रहा होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा है तो एक प्रॉब्लम आती है। वीडियो को आप अच्छी क्वालिटी में कर लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर सेटिंग होती है, वहां जाकर करेंगे तो एकदम क्लियर आपको नजर आएगा। 1,000 रुपए की आपने यहां पर SIP करी है, 10 साल का मैंने SIP का टाइम पीरियड यहां से रखा है, और रिटर्न रेट जो है वो 20% यहाँ पे इसको रख रहा हूँ। इससे ज्यादा ही आपको रिटर्न मिलने वाला है, और एक बेहतरीन प्लान के बारे में भी हम इन्वेस्ट आज बात करने वाले हैं, उसका रिव्यू करने वाले हैं। 20% हो गया भैया, हाँ 20% हो गया। अब देखिए, यहाँ पे जो आपको अमाउंट दिख रहा है ना, ये वाला देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 1,20,000 रुपए 10 सालों के अंदर आपका जा रहा है। टोटल आपको जो रिटर्न मिलेगा वो तकरीबन 3,82,363 रुपए आपको वहां पर मिलने वाले हैं। देखिए, गौर से देखिएगा,
120,000 देने पर ही आपका जो पैसा है 10 सालों के अंदर डबल से भी बहुत ज्यादा हो रहा है। यहां आपको ये देखने वाली जरूरत है, देखने वाली बात है। अब आप बोलेंगे करोड़पति नहीं बन रहे हैं सर हम, लेकिन सोचने वाली बात है, 120,000 रुपए आप देंगे तो 382,000 रुपए आपको मिल रहे हैं, और गारंटी के साथ कह सकता हूं LIC FD के अंदर आपको नहीं मिलता होगा। अब देखिए थोड़ा सा जादू, SIP का जादू क्या होता है, यहीं से चालू होता है। मैं कहता हूं अगर आपका अमाउंट छोटा है ना तो आप ड्यूरेशन को बढ़ा दो, अमाउंट छोटा है ड्यूरेशन को बढ़ा दो, अमाउंट मोटा है ड्यूरेशन कम कर दो, यानी कम टाइम के लिए कर दो। अब मैं बात कर रहा हूं यहां से मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूं कि हर घर के अंदर SIP होनी चाहिए, हर आजकल के युवा जो है 20 साल 15 साल उसको SIP चालू कर देनी चाहिए अभी से। अब हम बात कर रहे हैं 10 साल की जगह मैं कर देता हूं उसको 20 साल के लिए, अमाउंट मैंने उतना ही रखा है, रिटर्न रेट मैंने उतना ही रखा है, सब कुछ मैंने उतना रखा है। अब आप 240,000 रुपए दे रहे हैं, ये देखिए सर इन्वेस्ट, ये ज्यादा अभी मत देखो उसको, मोटा मोटा जो हो रहा है उसको मत देखो, समझ में नहीं आएगा। इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 240,000 रुपए अभी जा रहा है, 240,000 आ कितना रहा है अब टोटल 31,61,480 रुपए के आसपास आ रहे हैं आपके टोटल, 29 लाख रुपए आपका गेन हो रहा है, ये मोटा मोटा डार्क आपको नजर आ रहा होगा। अब देखिए ये जो सर्कल के इससे भी समझ सकते हैं आप, जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है ना जो आपने दिया है वो एकदम ब्लू वाला है, और जो रिटर्न हुआ है इंटरेस्ट वाला वो ग्रीन है, तो पूरा राउंड ही ग्रीन है यहाँ पर। अब मैं कहता हूं आपकी एज सर 22 साल है, 20 साल है, 40 साल तक आपके पास में इतना अमाउंट आ जाएगा 31 लाख रुपए। अब कई लोग बोलेंगे इसकी वैल्यू क्या रहेगी इतने दिनों बाद में, 20 साल बाद में 31 लाख की वैल्यू क्या रहेगी। मैं कहता हूं आज से 20 साल पहले आपके पास में आपने पैसे जोड़े होते, आज 5 लाख रुपए भी आते तो उसकी वैल्यू रहती ना, आज भी 5 लाख रुपए की वैल्यू है, 500 रुपए की वैल्यू है, 10 रुपए की भी वैल्यू है। उन लोगों से जाके पूछिए जो झोपड़ी में रहते हैं, अपना कैसे जैसे गुजारा करते हैं, उनसे उन पैसों की जब वैल्यू जाके पूछिए तो वैल्यू आज भी पैसे की उतनी ही है। मैं कहता हूं इसको आप 20 से यहां पर 25 साल के लिए कर देंगे, 5 साल और बढ़ाना है, मात्र 5 साल आपने बढ़ाया, जादू देख लो 1 करोड़ के पास में आपका अमाउंट पहुंच चुका है, 86 लाख रुपए यहां पर आपके हो चुका है, 83 लाख रुपए आपके यहां से गेन हो रहे हैं। अब आप चाहे इसको जितना आगे बढ़ा सकते हैं, 30 साल 27 साल, देखो अब 25 साल तक क्या था, 83 लाख रुपए आपके बढ़ रहे थे, 26 करते ही सीधा 1 करोड़। ये कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग का खेल है, आपका पैसा मात्र अभी भी 26 साल में यहां से, मैं सर्कल करके आपको बताऊं, एक मिनट अब देखिएगा आप इसको समझिएगा भैया, आप नीचे आ जाओ, 312,000 रुपए ही आपके जा रहे हैं, मात्र 312,000 रुपए, और आपका जो टोटल मिल रहा है आपको ये वाला अमाउंट मिल रहा है, ये वाला भैया, ये वाला अमाउंट आपको यहां से मिल रहा है, टोटल जो आपका गेन हुआ है वो ये गेन हुआ है। अब आप सर्कल से देखेंगे ये वाला जो है ना, ये वाला एरिया, ये आपका दिया हुआ पैसा है, बल्कि ये पूरा का पूरा आपको मिल रहा है, ये पूरा का पूरा पैसा आपको मिल रहा है, तो है ना शानदार। 1,000 रुपए की पावर, मैंने कहा था 100% राइट है, पागल नहीं बना रहा हूं, बेवकूफ नहीं बता रहा हूं, बस समझने वाले समझ जाएंगे, तो आज से आप चालू कर दीजिए। अब प्लान के बारे में एक डिस्कस करते हैं, आज मैंने निपोन का आज एक बेहतरीन प्लान आप लोगों के लिए निकाला है, बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर भी चल रहा है, लोगों का भरोसा भी इसके ऊपर है। देखिए निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ इसका नाम है, म्यूचुअल फंड का नाम मैं अक्सर भूल जाता हूं तो लोग कहते हैं, स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी के अंदर ये आता है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो इसका जो रिटर्न आप देखेंगे ना, हाँ भैया रिटर्न कहाँ गया, ये देखिए 26% का रिटर्न दे रहा है, रिटर्न सिंस इंक्रिप्शन 26%, यानी 27% मान सकते हैं आप इसको। हमने जो कैलकुलेशन किए ना सर, वो 20% के आधार पर ही किए, 20% ही मैंने वहां पर लिया था, यहाँ पे देखिए 26% आपको रिटर्न मिल रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में और डीपली हम जाते हैं कि ये आपका जो पैसा है कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट होगा और कितना चाहिए होगा आपको। ये देखिए 41,000 करोड़ रुपए इसका AUM है, एक्सपेंसेस रेशियो इसका 0.69 है, 4 रेटिंग इसकी आ रही है, स्टार रेटिंग इसकी आ रही है। मिनिमम आप यहां पर SIP 100 रुपीज की भी कर सकते हैं, हमने 1,000 रुपीज देकर चला है। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब देखिए यहां पर ये आपके जो फंड को कहां कहां पर इन्वेस्ट करेगा, ये आपके सामने आपको सिनेरियो नजर आ रहा होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको समझेंगे, कैपिटल गुड्स के अंदर 19% आपका पैसा देते हैं, फिनेंस के अंदर 12% देते हैं, सर्विसेज के अंदर 10% है, हेल्थ केयर के अंदर भी तकरीबन 8% का पैसा आपका लगभग जा रहा है। यहां देखिए आप थोड़ा सा इधर में आ जाता हूं, AI फिनेंस होल्डिंग, HDFC बैंक लिमिटेड,
किप्टे इंजीनियरिंग, और यहाँ ये मतलब जो जो कंपनीज है ना इनके अंदर आपका पैसा होल्ड किया जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड कंपनीज कहती है कि आपका जो पैसा है उसको हम सेफली इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिले और उनका भी म्यूचुअल फंड बेहतरीन तरीके से चले, जैसा कि निपुण अभी चल रहा है। मैं नहीं कहता कि आपको यही लेना है, लेकिन रिव्यू किया है मैंने, अच्छा मेरे को लगा है। आप अपने फाइनेंस एक्सपर्ट की राय जरूर से लीजिएगा, उसके बाद में ही कहीं पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा।